नमस्कार, आज का मुद्दा देख रहा मेरे साथ, मैं हूं शंकर दत्तपंत। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के पहले मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए 2022 के विधानसभा चुनाव के समीकरण साधने की कवायद अब की जा रही है, जिसके तहत योगी कैबिनेट में 23 मंत्रियों को जगह दी गई है, जिसमें 6 कैबिनेट, 6 स्वतंत्र प्रभार और 11 राज्य मंत्री शामिल किए गए हैं। क्या मायने हैं इसके, इसी पर हम चर्चा भी आगे करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखा देते हैं। कृपया शपथ ग्रहण करने हेतु पधारने का कष्ट करें। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल का पहला विस्तार कर लिया है, जिसके साथ ही योगी ने अपनी नई टीम चुन ली है। लखनऊ के राजभवन में 23 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई, जिनमें 18 नए चेहरे शामिल किए गए, जबकि 5 मंत्रियों को प्रमोट किया गया। योगी के मंत्रिमंडल में 6 कैबिनेट, 6 स्वतंत्र प्रभार और 11 राज्य मंत्रियों को जगह दी गई है। मंत्रिमंडल में नए चेहरे तय करते वक्त जातीय और क्षेत्रीय संतुलन के साथ लोकसभा चुनाव में उनके प्रदर्शन का भी ध्यान रखा है। मंत्रिमंडल में जगह पाने वालों में कई ऐसे हैं जो पहली बार विधायक बने हैं। बताते हैं आपको योगी के इन स्पेशल 23 के बारे में। जिन 6 लोगों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है, उनमें डॉक्टर महेंद्र सिंह, भूपेंद्र सिंह चौधरी, राम नरेश अग्निहोत्री, सुरेश राणा, अनिल राजभर और कमला रानी शामिल हैं। साथ ही जिन 6 लोगों को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का पद मिला है, उनमें नीलकंठ तिवारी, कपिल देव अग्रवाल, सतीश द्विवेदी, अशोक कटारिया, श्रीराम चौहान और रविंद्र जायसवाल शामिल हैं। वहीं जिन 11 लोगों को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है, उनमें अनिल शर्मा, महेश गुप्ता, आनंद स्वरूप शुक्ला, विजय कश्यप, गिरिराज सिंह धर्मेश, लाखन सिंह राजपूत, नीलिमा कटियार, चौधरी उदय भान सिंह, चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय, रामशंकर सिंह पटेल और अजीत सिंह पाल को शामिल किया गया है। सभी आज माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार के मंत्रिपरिषद विस्तार के अवसर पर सभी हमारे कैबिनेट मंत्री, सभी स्वतंत्र प्रभार के माननीय मंत्री, सभी राज्य मंत्रियों के शपथ लेने पर बधाई देता हूं और बहुत शानदार, बहुत संतुलित और प्रदेश के सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व और इतना शानदार आज का यह विस्तार का कर रहा है, इसका बहुत व्यापक प्रभाव होगा, पार्टी भी मजबूत होगी और सरकार जनता की बहुत अच्छी सेवा करेगी। योगी के मंत्रिमंडल में शामिल 7 से ज्यादा मंत्री ऐसे हैं जिन्हें बेहतर काम का इनाम दिया गया है। इनमें से 5 स्वतंत्र प्रभार मंत्रियों को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, 2 राज्य मंत्री प्रमोशन पाकर स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री बने। साथ ही कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार में सभी क्षेत्रों का ध्यान रखा गया है। ये संतुलित तो एक सर्वलोकप्रिय ये मंत्रिमंडल है और एक नई ऊर्जा के साथ काम करने की प्रेरणा यहाँ पर मिलेगी और सब मिलकर इस प्रदेश की जनता के प्रति जवाबदेही बनकर काम करने का कोशिश करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जब शपथ ली थी तब उनकी टीम 47 लोगों की थी। इस्तीफों के बाद टीम 37 हो गई थी। वहीं अब 23 और लोगों को शपथ दिलाने के बाद योगी के मंत्रियों की संख्या 60 हो गई है। साल 2017 की बात करें तो विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत दर्ज करने के बावजूद सभी क्षेत्रों को हिस्सेदारी नहीं मिल सकी थी, लेकिन अब कैबिनेट के पहले विस्तार में मुख्यमंत्री ने इसे भी संतुलित करने की कोशिश की है। साथ ही ये भी माना है कि बीजेपी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में जातिगत समीकरण साधने के लिए कैबिनेट में ये फेरबदल किया है। जुबैर खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो तमाम चीज़ें अब आने वाले वक्त में देखी जाएंगी, क्योंकि बताया जा रहा है कि 2022 की जो तैयारी है वो अभी से ही योगी सरकार की तरफ से की जा रही है। बहुत जातीय समीकरणों को भी ध्यान में रखकर इस मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है। पंकज चतुर्वेदी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं इस लखनऊ से। इसके अलावा अमित सिंह भी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। सबसे पहले पंकज, मैं आप ही के पास आना चाहता हूँ। 2.5 साल पूरे होने के बाद मंत्रिमंडल विस्तार किया गया है योगी सरकार की तरफ से, जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को बखूबी इसमें ध्यान में रखा गया है। अगर एक लाइन में मैं आपसे पूछूं, उस कैबिनेट विस्तार का मतलब क्या निकाला जाए 2.5 साल के बाद अगर ये हुआ है तो?
देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद कई मंत्रियों के इस्तीफा देने के बाद और पहले से कई पद रिक्त थे, क्योंकि सरकार के ऊपर भी इस तरीके मुख्यमंत्री के ऊपर भी दबाव था। कई सारे क्षेत्र जो छूट गए थे पहले जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ था, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शपथ ली थी, खासकर बुंदेलखंड, और कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट थे जो अछूते थे, उनका ख्याल रखते हुए जातीय क्षेत्रीय समीकरण के साथ साथ उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को ध्यान में रखते हुए सभी जातियों, सभी क्षेत्रों और उन जातियों का भी ध्यान रखा गया है जो पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में सहयोगी दल के रूप में थे, लेकिन बगावत करके गठबंधन से पीछे हट गए। उनको मंत्रिमंडल से भी योगी आदित्यनाथ ने बर्खास्त कर दिया, खासकर ओम प्रकाश राजभर के साथ साथ अनुप्रिया पटेल जरूर बीजेपी के गठबंधन के साथ उत्तर प्रदेश का लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन ना तो मोदी के मंत्रिमंडल में जगह दी गई और ना ही उत्तर प्रदेश की सरकार में आज जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ इसमें भी जगह नहीं दी गई है। तो इन दो पार्टियों की जो क्योंकि जगह नहीं दी गई, इस नाते इन पार्टियों के जो नेता जात के नेता थे, भारतीय जनता पार्टी में मिर्जापुर से एक पटेल नाम शामिल किया गया है जो अनुप्रिया पटेल की काट ढूंढी गई है। दूसरा स्वतंत्र सिंह को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया था, कुर्मी बिरादरी से आते थे तो दूसरे कुर्मी बिरादरी को ले आया गया। इसके अलावा ओम प्रकाश राजभर जो प्रसपा के माफ कीजिएगा सुभाषपा के प्रदेश अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वो उत्तर प्रदेश में बीजेपी के गठबंधन में थे लेकिन बाहर हो गए, लोकसभा चुनाव में बगावत की थी। उनकी जगह बीजेपी के ही एमएलए जो राज्य मंत्री थे अनिल राजभर को सरकार ने कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे करके उन जातियों को जो आज पिछड़े हैं, दलित, उनको साधने की कोशिश की है, जिन पे ओम प्रकाश राजभर की पकड़ थी। तो कुल मिलाकर के जातीय क्षेत्रीय और खासकर ओबीसी तथा दलित वोटों को साथ साथ सवर्ण वोटों को साधने की पूरी कोशिश की है, कवायद की है। साथ ही जिन्होंने बेहतर परफॉर्मेंस जिन मंत्रियों ने किया है, जिनका नाम सुर्खियों में रहता था, डॉक्टर महेंद्र सिंह जिनके पास ग्राम विकास विभाग है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब जनता को मिलने वाला आवास को उत्तर प्रदेश में एक रिकॉर्ड बनाया था, देश में सबसे ज्यादा आवास बनाने वाला ग्रामीणों के लिए, गरीब जनता के लिए इसी विभाग ने बनाया था। डॉक्टर महेंद्र सिंह ने इनको कई सारे इनाम भी मिले थे, इस नाते इनको प्रमोशन देते हुए कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, जबकि अनिल राजभर को ओम प्रकाश राजभर का कार्ड ढूंढते हुए आगे बढ़ाया गया है, जबकि भूपेन चौधरी को पश्चिम में चौधरी और जाडलैंड साधने की पूरी कोशिश की गई। तो कुल मिलाकर के जातीय क्षेत्रीय और आने वाले भविष्य में चुनाव को देखते हुए सभी क्षेत्रों और सभी जातियों को मंत्रिमंडल में योगी आदित्यनाथ ने शामिल किया है कि भविष्य में अगर कोई दिक्कत ना आए और आने वाले समय में कई सीटों के उपचुनाव है उसको देखते हुए पूरी तरीके से संतुलन बना करके योगी सरकार का कैबिनेट विस्तार किया है और उन चेहरों को, उन नेताओं को, उस क्षेत्र के नेताओं को ओरेता दी है जिसकी बार बार मांग उठती रही। बिल्कुल मांग उठती रही। आप कह रहे हैं कि काम के आधार पर भी जो प्रमोशन है कईयों को मिला है। अमित सिंह के पास मैं चलूंगा। अमित हमारे साथ बीजेपी कार्यालय के बाहर से ही मौजूद हैं, क्योंकि एक बहुत गहमा गहमी आज वहां पर चल रही है, क्योंकि सुबह से ही हम अमित देख रहे हैं कि लगातार जब ये खबर आई कि 23 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई, 18 नए चेहरे इसमें शामिल किए गए, जिन चेहरों को ज़्यादा इस बार तवज्जो दी गई, कईयों का प्रमोशन इस बार किया गया है, वजह चाहे इसके पीछे हम कुछ भी देखें, लेकिन घूम फिर के अगर हम पूरा अगर इस कैबिनेट मंत्रिमंडल विस्तार के पूरे उस पर प्रकरण पर नजर डालें, तो क्या यह कहना गलत नहीं होगा कि तमाम जातियों को ध्यान में रख के उन्हें साधने की कोशिश की गई है और 2022 अब टारगेट है योगी सरकार का सीधे सीधे? देखिए बिल्कुल शंकर, आप इस पूरे कैबिनेट के एक्सपेंशन पर अगर नजर डालें तो आपको स्पष्ट रूप से एक पॉलिटिकल बैलेंसिंग अप्रोच के साथ बीजेपी आगे बढ़ते हुए दिखाई देगी। चाहे वो बैलेंसिंग अप्रोच पूरा पश्चिम के बीच का हो, चाहे वो पॉलिटिकल अप्रोच बैलेंसिंग का संगठन सरकार और संघ के रूप में हो, या फिर वो अगड़े पिछड़ों के बीच का हो या ओबीसी ईबीसी के बीच का हो, तो हर तबके को साधने की कोशिश की गई है। वो हर तबका, वो हर वर्ग जो बीजेपी के साथ पिछले 5-7 सालों से खड़ा होता दिख रहा है उसको तवज्जो दी गई है और उन तमाम चेहरों को योगी कैबिनेट में जगह दी गई है जो 2022 और उसके पहले उपचुनाव में बेहतर परफॉर्म कर पाए। कुछ चेहरे ऐसे हैं जो संघ के पसंदीदा बताए जा रहे हैं, उनको तवज्जो दी गई है। कुछ चेहरे ऐसे हैं
जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भरोसेमंद बताए जा रहे हैं उनको तवज्जो दी गई है। कुछ ऐसे लोग भी हैं नए चेहरों के रूप में जो पार्टी में संगठन में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, और सरकार ने ये संदेश देने की कोशिश की है कि जो भी बेहतर कार्यकर्ता होगा या जो भी संगठन में मेहनत करेगा वो आगे चलकर मंत्रिमंडल का हिस्सा बन सकता है, मंत्रिमंडल में शामिल हो सकता है। तो एक तरीके से ये एक संदेश देने की ये भी कोशिश हुई है। जो लक्ष्य है वो बिल्कुल स्पष्ट है, उपचुनाव और 2022, और इसके लिए चाहे निवेश लाने की बात हो चाहे गुड गवर्नेंस की बात हो, चूंकि योगी सरकार लगातार संदेश देने की ये कोशिश कर रही है कि जो परफॉर्म नहीं करेगा चाहे वो अधिकारी हो चाहे वो मंत्री हो वो सरकार का हिस्सा नहीं रहेगा, चाहे वो राजेश अग्रवाल के रूप में वित्त मंत्री ही क्यों ना हो, भले वो अपने अधिक उम्र का तकाजा देकर इस्तीफा देने की बात कह रहे हों लेकिन लोग समझ रहे हैं कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया या अनुपमा जायसवाल या अर्चना पांडे का इस्तीफा क्यों हुआ। तो मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से संदेश दे दिया है जो परफॉर्म करेगा वो टीम का हिस्सा नहीं होगा, जो परफॉर्म नहीं कर पाएगा उसके लिए टीम में कोई जगह नहीं है, चाहे वो अधिकारी हो चाहे वो मंत्री हो। और उन तमाम कार्यकर्ताओं को भी संदेश है, आप मेहनत करिए, सरकार का हिस्सा बन सकते हैं, आपके लिए प्रगति का पथ बिल्कुल खुला पड़ा है। तो एक तरीके से सबको साधने की कोशिश हुई है, लेकिन लक्ष्य 2022 है योगी आदित्यनाथ पर, निवेश लाने को लेकर, गुड गवर्नेंस को लेकर और 2022 को लेकर एक दबाव है, इसमें कोई शक नहीं है। और मुख्यमंत्री की चली है, बिल्कुल चली है इस मंत्रिमंडल विस्तार में। हालांकि कल देर शाम ये तय हो गया था जब संघ सरकार और संगठन की बैठक हुई थी, उसमें ही फाइनल लिस्ट तय हो गई थी कि किन किन लोगों को शामिल किया जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री की चली है और मुख्यमंत्री ने अपनी टीम बिल्कुल बना ली है। 56 लोग इस समय मुख्यमंत्री को लेकर मंत्रिमंडल का हिस्सा बन चुके हैं, अभी भी 4 मंत्रियों के लिए जगह है, यानी आने वाले समय में जो बेहतर करेगा उसके लिए भी एक स्कोप है, एक स्पेस है। जी बिल्कुल, ये स्कोप है और बेहतर होगा क्योंकि इससे एक संदेश भी जाएगा अमित की, अगर आप काम अच्छा करते हैं, जनता के हितों का ध्यान रखते हैं तो जाहिर तौर पर प्रमोशन होना है, और हमने इस मंत्रिमंडल विस्तार में ये देखा भी। आप दोनों हमारे साथ लगातार बने रहिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना पड़ रहा है, फौरन हाजिर हों, चर्चा हमारी लगातार जारी है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, हम चर्चा इस बात को लेकर करें, योगी कैबिनेट का ये विस्तार, मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है जिसमें 23 मंत्रियों ने शपथ लिया, जिसमें 18 नए चेहरों को शामिल किया गया। दो संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए, अमित सिंह और पंकज चतुर्वेदी। पंकज, मैं आपके पास आना चाहता हूँ, ब्रेक पर जाने से पहले हम चर्चा इस बात को लेकर कर रहे थे कि जातिगत समीकरण को बखूबी इसमें ध्यान रखा गया है और सीधे सीधे टारगेट 2022 अब योगी सरकार का। इस मंत्रिमंडल विस्तार से कई सारे मैसेज भी गए हैं कि अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं या करेंगे तो प्रमोशन होना आपका तय है। सवाल मेरा यह है कि जातियों को ध्यान में रखकर, जाति समीकरणों को ध्यान में रखकर अगर ये चीजें हुई हैं तो फिर बार बार बीजेपी की तरफ से इस बात का जिक्र हर बार किया जाता है कि जाति से ऊपर उठकर पार्टी काम करती है, लेकिन यह बात तो सच है पंकज कि उत्तर प्रदेश में की जो राजनीति है, खासतौर पर अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जिक्र करें, तो जाति आधारित है, वह जाति पर केंद्रित है, इससे तो पार्टियां भाग नहीं सकती है, समय समय पर इसके उदाहरण भी देखने के मिले, और आज हम इस मंत्रिमंडल विस्तार को देखें तो इसमें तो खुलकर यह चीज दिख ही रही है। जी बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में बगैर जातियों के समीकरण साधे बगैर उत्तर प्रदेश में चुनाव किसी भी पार्टी के लिए आसान नहीं होता है। और आपने पहले देखा होगा अखिलेश यादव जब 2012 से 17 का जो उनका कार्यकाल था, उन्होंने जो अपना कार्य किया था, उन्होंने एक चुनाव में नारा दिया था, काम बोलता था, विकास के दम पे वो चुनाव में आए थे 2017 में, और समाजवादी पार्टी की सबसे बुरी हार हुई थी क्योंकि अखिलेश यादव जात से उठ करके विकास के नाम पे वोट मांगे थे, और खासकर जो समाजवादी पार्टी के पूर्व मुखिया हुआ करते थे मुलायम सिंह यादव, जो सभी जातियों को एक साथ जोड़ करके रखते थे, और वही कारण था कि उनका हर चुनाव में बेहतर परफॉर्मेंस होता था। और 2017 में समाजवादी पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला सिर्फ जातियों के समीकरण के साथ साथ क्षेत्र के, और कई सारे ऐसे नेता हर वर्ग को जिसको मुलायम सिंह यादव ने ओरियता दिया। और अखिलेश यादव जब 2017 में चुनाव हुआ, क्योंकि 5 साल मुख्यमंत्री थे, अपने विकास कार्यों को लेकर के जनता में गए, तो बार बार इस बात का जिक्र कर रहे थे कि हम 2017 का चुनाव विकास के दम पे लड़ेंगे, और आपने नतीजा देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सबसे बुरी हार हुई। यही कारण उत्तर प्रदेश में जातवाद को इग्नोर करके चुनाव नहीं जीता जा सकता है, बयानबाजी कुछ भी हो,
बात कुछ भी करे भारतीय जनता पार्टी या कोई भी, लेकिन जातीय समीकरण को और साथ साथ क्षेत्रीय समीकरण को बगैर साधे उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में चुनाव की कोई भी पार्टी के लिए आसान नहीं होती है। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है योगी आदित्यनाथ की, जिसका पहला मंत्रिमंडल विस्तार है, जिसमें 23 मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई है, जिसमें कई सारे मंत्री नए हैं, उनको देखा जाए तो अलग अलग क्षेत्रों के साथ साथ उन जातीय समीकरणों को भी साधने की कोशिश की गई है जिनका तबका मंत्रिमंडल में नहीं था या फिर मंत्रिमंडल या सहयोगी दल के रूप में बाहर हो गया था। उन जातियों को साधने की कोशिश की गई है और उन पार्टियों के नेता जो अब तक सहयोगी दल के रूप में हुआ करते थे, चाहे अपना दल हो चाहे सुभाषपा हो जिसके अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर थे, उन जातियों के नेता बीजेपी में तैयार किए जा रहे हैं, उनको आगे बढ़ाया जा रहा है, चाहे वो अनिल राजभर हो या कई ऐसे और चेहरे जो पटेल हैं, खासकर अनुप्रिया पटेल के गढ़ में भारतीय जनता पार्टी पूरा सेन लगाने की तैयारी कर रही है। एक तो स्वतंत्र देव सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, दूसरा आज मिर्जापुर से भी पटेल को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। तो चीजें और बिल्कुल अस्पष्ट हैं, सारी चीजें साधने की भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की है और वो कोशिश 2022 के चुनाव के साथ साथ उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को भी ओरिता दी गई है। खासकर कई ऐसे और नाम अप्रत्याशित रूप से भी शामिल किए हैं जिन्होंने बड़े चेहरे को हरा करके विधानसभा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी, चाहे वो इटावा विधानसभा से सतीश द्विवेदी हों जो विधानसभा अध्यक्ष उस समय जो समाजवादी पार्टी में थे, माता प्रसाद पांडे को हरा कर उनको कैबिनेट में जगह दी है, चाहे बलिया सदर से सबसे यंग विधायक माने जाने वाले आनंद शुक्ला को भी मंत्रिमंडल में ओरिता दी गई, या पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भी कई ऐसे चेहरे हैं जिनको मंत्रिमंडल में ला करके पूरी तरीके से साधने की कोशिश की है और चार मंत्रियों को कैबिनेट में प्रमोशन दे करके जिन्होंने अपने विभाग में बेहतर कार्य किया है, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे हैं, उनको परफॉर्मेंस के आधार पे उनका प्रमोशन दिया गया है और बुंदेलखंड जिसके हिस्सेदारी मंत्रिमंडल में नहीं थी इस मंत्रिमंडल में उस जगह को मतलब उस क्षेत्र को का भी प्रतिनिधित्व दिया गया। तो कुल मिलाकर के पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने संतुलित रखा है, बयानबाजी भाषण कुछ भी हो लेकिन मंत्रिमंडल से चीजें बिल्कुल स्पष्ट हैं कि हर वर्ग हर तबका हर क्षेत्र को साधने की कोशिश की गई है। बिल्कुल हर वर्ग हर तबके को साधने की कोशिश की गई है, जैसा कि हम अमित जिक्र भी कर रहे थे, सीधा सीधा जो टारगेट है 2022 है, सरकार बखूबी इस बात को जानती है कि 2.5 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है और उसके बाद अब शायद ये मंत्रिमंडल का विस्तार बहुत ज़रूरी हो गया था परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए, जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए। लेकिन वाराणसी की अगर बात करें इस पूरे मंत्रिमंडल में अगर हम देखें तो बाजी वाराणसी ने भी मारी है। अब वाराणसी से योगी मंत्रिमंडल में जो मंत्रियों की संख्या शायद अब 3 हो जाएगी। अमित काशी से अब 3 मंत्री हो जाएंगे योगी कैबिनेट में, एक कैबिनेट मंत्री, एक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और एक राज्य मंत्री। लेकिन जो आपने सवाल किया कि क्या सिर्फ और सिर्फ जातीय समीकरण साधने के लिए ही ये कैबिनेट का एक्सपेंशन था या इसके और भी मतलब हैं, हमारे साथ अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रवक्ता हैं बीजेपी के, मुझे ये बताइए, अनुपमा जायसवाल हटाई गई तो रविंद्र जायसवाल लाए गए, ओम प्रकाश राजभर हटाए गए तो उनकी जगह एक राजभर को प्रमोट करके कैबिनेट का हिस्सा बनाया गया अनिल राजभर को, तो इसमें जातीय समीकरण साधने के अलावा और कुछ भी था क्या? देखिए माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, माननीय महामंत्री संगठन श्री सुनील बंसल जी, सामाजिक राजनैतिक और विकास को रख करके, उत्तर प्रदेश का विकास को रख करके और क्षेत्र को रख करके और संगठन और समाज को हर वर्ग को रख करके भारतीय जनता पार्टी ने आज जो है कि मंत्रिमंडल का विस्तार किया, जिसमें अनुसूचित वर्ग से माननीय कमल रानी वरुण जी जो कैबिनेट मंत्री बनी है, माननीय राज्य मंत्री श्री जी एस धर्मेश जी बने हैं और श्री राम चौहान जी जो है कि राज्य मंत्री बने हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जायसवाल सभा से भी अनुपमा जायसवाल जी की जगह रविंद्र जायसवाल जी को, और माननीय मुख्यमंत्री जी महामंत्री जो संगठन के कुशल रणनीतिकार हैं श्री सुनील बंसल जी ने इतना अच्छा और मंत्रिमंडल का आविष्कार किया है और इतना बढ़िया गुलदस्ता बनाया है, जिस गुलदस्ते में हर जात वर्ग समाज और धर्म के लोग हैं, सभी समाज के लोग हैं, और यही मोदी जी के नारे को माननीय बंसल जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी चरितार्थ कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। इसमें विकास एक बड़ा सवाल है ना, विकास कैसे होगा अगर खाली जाति ही आप साधने में लगेंगे तो विकास कैसे होगा? विकास का मतलब उत्तर प्रदेश में पश्चिम से भी हमारे मंत्री बनाए गए, ब्रिज से भी बनाए गए हैं, कानपुर बुंदेलखंड के माननीय प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र जी थे, उनको उनकी जगह माननीय कानपुर बुंदेलखंड की प्रदेश महामंत्री माननीय नीलमा कटियार जी को रखा गया है,
और पश्चिम क्षेत्र से भी बुलंदशहर से माननीय अनिल शर्मा जी को भी मंत्री बनाया है। एक आखिरी सवाल, कार्यकर्ताओं को भी तरजीह मिली है, कई संगठन में पदाधिकारी थे उनको भी मंत्री बनाया गया है, चार मंत्रियों की संख्या अभी भी शेष है, तो आपको लगता है कि कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ेगा कि हम भी मंत्री बन सकते हैं? बिल्कुल, कार्यकर्ताओं की भारतीय जनता पार्टी है, लोकतांत्रिक पार्टी है और कार्यकर्ताओं का ही मनोबल और उत्साह हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाया। कार्यकर्ताओं का सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा किया है और जो आगे भी निगम आयोग बोर्ड हैं, तमाम पार्षद हैं, जेल विजिटर हैं और सिंचाई बंधु हैं, उत्तर प्रदेश में तमाम विभागों में, निगमों में, आयोगों में, मंत्रालयों में भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, कर्मठ है, उसको रखा जाएगा। तो ये इन्होंने पते की बात कही है कि अभी तो मंत्रियों की संख्या बढ़ी है, अभी तमाम आयोग हैं, तमाम ऐसे मोर्चे हैं, तमाम ऐसे जगह हैं जहां अध्यक्ष का पद है या चेयरमैन का पद है, तो अभी भी कार्यकर्ताओं के लिए, पार्टी पदाधिकारियों के लिए जगह बची है। और कहीं ना कहीं ये संदेश भी है पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से, कि कार्यकर्ता मेहनत करे, पदाधिकारी मेहनत करे, सरकार में शामिल हो सकता है, सरकार का हिस्सा बन सकता है। जी जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा संदेश है। इस मंत्रिमंडल विस्तार के बाद बहुत सारी चीज़ें सामने निकल कर आई कि अगर आप अच्छा काम करेंगे तो प्रमोशन भी हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित सिंह आपका, पंकज चतुर्वेदी आपका भी बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।